डॉक्टर शालिनी फ्रॉम डॉक्टर गणेश दास कॉलेज ऑफ एजुकेशन करनाल। आज हम एनपीई को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पहले किया था एनपीई के बारे में कि उसके कौन कौन से 12 पार्ट्स हैं उसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ एनपीई की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। फर्स्ट इज टू एजुकेट एवरी पर्सन इन द कंट्री। देश में प्रत्येक लोगों को प्रत्येक नागरिक को एजुकेट यानी शिक्षित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। दूसरा है टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन। लोगों को शिक्षा प्रदान करके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है भारत देश में उसको कम करने के लिए और ताकि लोगों को शिक्षित किया जाए ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो। थर्ड इज़ टू इम्प्रूव एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को जो 1968 में जो नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको सुधारने के लिए। नेक्स्ट इज़ फॉर इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ एजुकेशन शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए भी हमें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की आवश्यकता पड़ी। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीई 1986 सबसे पहले जो ढांचा तैयार किया गया वो अनाउंसमेंट इसकी हुई थी जनवरी 1986 में। फिर ये इंट्रोड्यूस की गई मई 1986 में और 8 मई 1986 को ये लोकसभा में पास हुई और 13 मई 1986 को राज्यसभा में पास हुई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। अब हम करते हैं इसकी नीड के बाद आ जाती है करैक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या है। पहली है फर्स्ट टाइम एजुकेशन इज गिवन इम्पोर्टेंस कि सबसे पहले एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। देन रिकमेंडेशन ऑफ सिंगल नेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर केवल एक राष्ट्रीय स्तर पर ढांचा तैयार किया गया पढ़ाई के लिए पढ़ने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल करिकुलम की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम भी एक तैयार किया गया और तैयार किया जाना चाहिए ये उसकी विशेषता है। देन पार्टिसिपेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपनी भागीदारी दे। वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा को इसमें सम्मिलित किया गया। व्यावसायिक शिक्षा से अभिप्राय पहले क्या था कि जैसे बीए एमए करके बहुत सारे लोग बेरोजगार थे लेकिन जब व्यावसायिक शिक्षा को इसके अंतर्गत रखा गया तो बहुत सारे लोगों को व्यवसाय मिला और ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी थी। देन इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई बहुत सारे सुधार हुए। ऑटोनोमी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी स्वायत्तता को मेंटेन किया गया और यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आए। देन इवेल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रोसेस जो एजुकेशन प्रोसेस थी जो शिक्षा के संबंधित मूल्यांकन की प्रणाली थी उसको देखा गया कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी शिक्षा दे रही हैं तो उनकी 5 साल के बाद इवेल्यूशन हो अच्छे से कि उनमें किस तरह से एडमिशन्स चल रहे हैं किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आई। फिर हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को फॉलो किया गया कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक ही शिक्षा का सिस्टम हो। देन बेस्ड ऑन बेसिक वैल्यूज़ जो हमारे मूल्य हैं मूल्य आधारित शिक्षा इसमें दी गई। देन इट इज़ मैन सेंटर्ड मानव केंद्रित शिक्षा दी गई। मानव केंद्रित शिक्षा से अभिप्राय है कि जो जो भी एजुकेशन दी जाए वो मनुष्य को ध्यान में रखकर दी जाए कि एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग कैसे हम बनाएं सोसाइटी में। देन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग अब शिक्षा के लिए कौन सा लेवल कि जब पढ़ने के बाद कितने बच्चे मिनिमम लेवल को हासिल कर लेंगे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इसमें दिया गया। क्लियर टारगेट जो टारगेट्स थे जो हमारे उद्देश्य थे उनको क्लियर रखा गया कि हमें इसके बाद ये करना है इसके बाद ये करना है। देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार इसका मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को रोजगार प्रदान करना था। फिर है डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीयकरण इस शिक्षा नीति में यह व्यवस्था की गई कि शैक्षिक ढांचे का प्रबंध किसी एक के अधीन नहीं होना चाहिए और पूरे राष्ट्र में विभिन्न संस्थाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। देन वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा इसका सबसे बहुत महत्वपूर्ण मेरिट है बहुत महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है कि इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन शुरू की जिसकी सहायता से
देश में बेरोजगारी को कम किया करने में बहुत सहायता मिले। देन वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट मीन्स महिलाओं का विकास। अब महिलाओं का विकास कैसे हुआ, जब महिलाओं को शिक्षा दी गई, वुमेन एजुकेशन की हेल्प से स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया कि जो लड़कियां हैं उनको बेस्ट एजुकेशन दी जाए, गर्ल्स को बेस्ट एजुकेशन दी जाए और उनका ध्यान रखा जाए कि कोई भी लड़कियां जो हैं वो घर में ऐसी ना हो जो कि पढ़ाई नहीं करती हों। देन ओपन यूनिवर्सिटीज़, इसकी एक खास बात ये रही कि हायर लेवल पर शिक्षा के उच्च स्तर पर ओपन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई और उनका क्रियान्वयन किया गया। इसमें कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज भी थे कि जो जो नहीं किसी कारणवश नहीं भी पढ़ पाए या जो जॉब में है, जो नहीं रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकते या जो हायर एजुकेशन नहीं ले पाए किसी भी कारणवश, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो और उनके लिए ये सुविधाएँ हों कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें और आगे वो आगे आकर अपनी पढ़ाई में अपने आप को हाईली एजुकेट कर सके, ताकि उनमें ये ना रहे कि हमने पढ़ाई नहीं की। देन टीचर एंड ट्रेनिंग, इसमें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ये देखा गया कि जो टीचर्स हैं, अगर बेस्ट टीचर्स हैं तभी हम देश में एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं, और जो टीचर्स हैं वो सिर्फ वही टीचर्स उसमें एडमिट हों जो पढ़ाने के इच्छुक हैं। ये नहीं है कि एडमिशन तो हमने ले लिया किसी के भी कहने पर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, लेकिन उन्हें पढ़ाना पसंद नहीं है, वो इसलिए कि हमारा कहीं और एडमिशन नहीं हुआ इसलिए हमने यहाँ एडमिशन ले लिया। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ये कहती है कि जो भी टीचर्स हैं वो इस तरह के रिक्रूट किए जाएँ जो कि बेहतर शिक्षा देने में अपनी क्षमताएं रखते हों और विद्यार्थियों को प्रॉपर नॉलेज देकर, उचित ज्ञान देकर उनको आगे बढ़ने में प्रयत्न करें। और ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग को भी ध्यान दिया गया कि डाइट्स हों, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो डाइट्स हैं या जो हायर एजुकेशन के लिए भी ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को, तो उसके लिए अलग अलग संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए जो इन्होंने अपने एनपीई में शामिल किया गया। नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स यानी उसकी क्या क्या कमियां रही हैं। सबसे पहली है नेगलेक्टिंग द नेबरहुड स्कूल कंसेप्ट। इसमें नेबरहुड स्कूल कंसेप्ट को नेगलेक्ट किया गया और कि पड़ोस विद्यालय के संकल्प को पूर्णतः नज़रअंदाज किया गया। देन साइलेंस ओवर पब्लिक स्कूल एंड देयर कॉमर्शियलाइजेशन। जो उस समय में पब्लिक स्कूल्स भी आ रहे थे गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ, तो उनके वाणिज्यीकरण पर भी ये शांत रही, इसने कोई अपने विचार नहीं दिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। देन नो चेक ऑन माइनॉरिटी लेवल एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। जो माइनॉरिटी लेवल था, जो अल्पसंख्यक लोग थे, उन पर कोई भी चेक नहीं रखा गया, ना ही उनकी एक्सप्लॉयटेशन पर कोई चेक रखा गया। देन टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कम्युनिटी हेल्प। जो समुदाय था, समुदाय से इन्होंने सहायता के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दी कि समुदाय से हेल्प हो जाए। एक पॉइंट में हमने किया था पिछले लेक्चर में कि उन्होंने चंदे की व्यवस्था की गई कि हमें चंदा इकट्ठा हो और हम वो स्कूल्स या एजुकेशन पर खर्च करें, तो उन्होंने पब्लिक यानी कम्युनिटी से हेल्प के लिए ज़्यादा अपेक्षाएँ रखी। देन बेसिक एजुकेशन इज नेग्लेक्टेड एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। सेकेंडरी स्कूल स्टेज पर बेसिक एजुकेशन को भी नेग्लेक्ट किया गया, हालांकि जब हमने 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब बेसिक एजुकेशन का बहुत अहम रोल था, लेकिन उन्होंने इसको बेसिक एनपीई में इसको नेग्लेक्ट कर दिया। देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज एंड एजुकेशन हैज़ बिन रिकमेंडेड। जो अथॉरिटीज़ थी, अब जैसे इन्होंने जिला स्तर पर, हमने किया था पिछले लेक्चर में ही कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग संस्थाएं नियुक्त हों, तो जिसमें अधिकारी होंगे अलग अलग, तो उन्होंने बहुत सारे अधिकारियों को इसमें नियुक्ति के बारे में कहा है, जो कि बहुत अधिक हो जाता था। यह पहले ही शिक्षा विभाग में बहुत अधिक अधिकारियों की संख्या थी, तो इन्होंने मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ कर दिया गया इसमें। नो मेंशन, नेक्स्ट इज नो मेंशन ऑफ इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स इन स्कूल्स फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मानवीय रिसोर्सेज की पूर्णतः
उपयोग के लिए इन्होंने वर्किंग आवर्स को नहीं बताया कि कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, इतने घंटे तक काम होना चाहिए, इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स के बारे में नहीं बताया कि जैसे अगर सपोज करो कि एक स्कूल को चलाने के लिए 6 घंटे हैं या 4, 5, 6 या 7 घंटे हैं तो उसको उन्होंने क्यों रखा गया, क्या उसमें इसके क्या मेरिट्स हैं क्या डिमेरिट्स हैं, ये इसमें नहीं बताया गया। नेक्स्ट इज नो सजेशन गिवन टू रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए कोई सजेशन नहीं दिए गए रिजर्वेशन यानी आरक्षण के, हालांकि आरक्षण का आधार जातीय ना होकर अगर जातीय भी है तो उसमें इकोनॉमिक को ज़्यादा महत्व दिया जाए। अगर एससी एसटी या विमेन वर्ग है तो उसमें उनकी सैलरी को ध्यान में देखा जाए कि उनकी टोटल इनकम को ध्यान में रखा जाए कि घर में कितने इनकम है, इस इनकम तक के लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो उसका कोई प्रावधान इसमें नहीं दिया गया। देन टारगेट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन फिक्स्ड, कि कौन कौन से सुधार के एरियाज हैं उनमें क्या क्या उद्देश्य रखे गए हैं वो भी फिक्स नहीं किया गया। देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स आर नॉट वर्किंग इन कंसिस्टेंसी, जो प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है या उच्च विद्यालय है वो उनमें एक सामंजस्य स्थापित नहीं किया गया। देन इट इज़ नो टाइम बाउंड, ये टाइम बाउंड नहीं थे, जैसे हमें ये उद्देश्य पूरे करने हैं, ये संस्थाएं निर्माण करना है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था, कोई स्पेसिफिक अगर एक विशेष समय होता कि इस समय तक हमें इतनी संस्थाएं चाहिए, इतना हमें इवेल्युएशन करना है, तो वो निश्चित रूप से उस निश्चित टाइम में वो हम अपने टारगेट्स यानी उद्देश्य पूरे कर सकते थे, पर इसमें कोई भी टाइम बाउंड नहीं था। देन नो सुपरविजन, इसमें निरीक्षण का ना होना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निरीक्षण नहीं था और इसकी कोई व्यवस्था भी नहीं की गई कि केंद्रीय व राज्य सरकार की इसमें क्या भूमिका रहेगी, यह भी नहीं बताया गया और स्पष्ट नहीं किया गया। और निसंदेह वर्तमान समय में निरीक्षण की बहुत बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि सोसाइटी में समाज में इस तरह का माहौल था कि लोगों को अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी थी तो उसके निरीक्षण की आवश्यकता थी। और अंत में हम यह कह सकते हैं कि बेशक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ दोष नहीं हो, लेकिन हम उनके गुणों को नकार नहीं सकते, क्योंकि यही सबसे पहले शिक्षा को हाई लेवल पर लाने के लिए सबसे प्रथम प्रयास नई शिक्षा नीति द्वारा ही किया गया। और इसमें जो जो चीज़ें देखी गई, जैसे शिक्षा का व्यवसायीकरण, जो व्यवसायीकरण है वो वोकेशनलाइजेशन, वो इसमें डाला गया, टीचर ट्रेनिंग इसमें डाली गई, स्कूल्स मैक्सिमम स्कूल्स को ये बताया गया और स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनके उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उचित प्रकार से, और उनका चयन भी इस प्रकार से हो कि वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाने के लिए इच्छुक हों और उनके पढ़ाने के कारण जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करें वो एक उचित नागरिक बन सकें। और इन्होंने मूल्य पर आधारित शिक्षा को भी महत्व दिया है। हम ये नहीं कह सकते, बेशक इसमें कुछ कमियां थी, लेकिन फिर भी इसकी मेरिट्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और भी इसमें एक शैक्षणिक ढांचा, एक जैसे 10+2+3 एक नेशनल करिकुलम भी फ्रेम किया गया, नेशनल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, एक राष्ट्रीय शैक्षणिक ढांचा भी प्रयोग किया गया इसमें। और जो निजी डिग्री थी या निजी डिप्लोमास थे उसको नौकरी का आधार ना मानकर अनुभवों को और उनकी प्रैक्टिस को ज़्यादा महत्व दिया गया, कि जो बच्चे जिनको अनुभव अधिक है या जो बच्चे जिनके जिनको स्वरोजगार उन्हीं को दिया जाए जो कि व्यावसायिक ज्ञान रखते हों, जिनको पत्राचार को। और नेक्स्ट इसमें ये भी था कि पत्राचार के कोर्सेज को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत महत्व दिया, ताकि जो किसी भी कारणवश जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और वो अपनी पढ़ाई को पत्राचार के द्वारा, कॉरेस्पोंडेंस के द्वारा, ओपन यूनिवर्सिटीज के द्वारा वो अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें और देश को आगे बढ़ने में योगदान दे सकें। क्योंकि शिक्षा के इतिहास में यह नीति अब तक की सबसे महत्वपूर्ण नीति मानी गई है,
जो कि वर्तमान समय में भी लागू है और इस पर अभी भी विचार किया जा रहा है, तो हम इसके गुणों को अनदेखा नहीं कर सकते। बेशक ये नीति देश को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत बेहतर साबित होगी आगे भी, जैसे इसमें अभी भी सुधार किए जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।